खबर आपको दें, सेनेटर कामिल अली आगा की काफ लीग की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई। सेनेटर कामिल अली आगा को काफ लीग पंजाब के ओहदे से हटा दिया गया। मजर इकबाल समझे जाने के मजर बताएगा इस खबर से मुताल्लिक। जी, सेनेटर कामिल अली आगा को काफ लीग पंजाब के ओहदे से भी हटा दिया गया है और उनकी अब बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी गई है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल काफ लीग तारक बशीर चीमा की जानिब से आज एक खत नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कामिल अली आगा को शो काज नोटिस जारी किए थे जिसका जवाब उन्हें मौसूल नहीं, और इस नोटिस में यह कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन की हदायत पर कामिल अली आगा को आज उनकी बुनियादी रुकनियत से फारग किया जाता है। कामिल अली आगा ने गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम किया जिस पर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की इज्जत और मर्तबे को भी नुकसान पहुंचाया और पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, जिससे मुस्लिम लीग काफ को बेपनाह नुकसान पहुंचा और एक करारदाद पेश करके गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मंजूर करवा के पार्टी के आइन से तजावज किया और आपको न सिर्फ पार्टी के ओहदे बल्कि पार्टी की रुकनियत से भी बर्खास्त किया जाता है और तमाम उनके जो ओहदे हैं उनको कल अदम करार दिया जाता है। तो ये आज उन्होंने एक खत जारी किया जिसमें उन्होंने कामिल अली आगा को मुस्लिम लीग काफ की बुनियादी रुकनियत और सेक्रेटरी जनरल पंजाब के ओहदे से हटा दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील अपडेट करने के लिए।